बहुत कुछ कहना है मुझे, करीबी सुनना नहीं चाहते। उन्हें लगता है मैं अगर उसकी बात करती रहूंगी तो ये मेरे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए इग्नोर करते हैं। क्योंकि मैं हर वक्त उसी की बात करना चाहती हूँ, उसको ही देखना और सुनना चाहती हूँ। ये मैं सिर्फ मैं नहीं हूँ, ये वो सब हैं जो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये उन सबों की आवाज़ है। बहुत लोग बोल चुके हैं, बता चुके हैं, बहुत सारे चैनल अपनी अपनी दलीलें रख चुके हैं अपने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। वो कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी लिखते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं जिससे हमारे जैसे लोगों की भावनाएं आहत होती है। ये केस और उलझता जाता है, हजारों तरह की बातें चलती हैं मन में। मैं आज इस वीडियो के द्वारा उन लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज अब बस ये मत करो, हमारी भावनाओं के साथ मत खेलो। इट्स अ रिक्वेस्ट, बंद करो ये करना। कुछ दिखाना है तो सच दिखाओ। खैर, ये तो अपने जमीर पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो, क्या अचीव करना है आपको। मेरे मन में भी कई बार आया कि मैं एक वीडियो बनाऊं SSR के लिए, लेकिन मेरे जमीर ने मुझे बार बार रोका, क्योंकि मुझे लगता था कि ये उसकी मौत का तमाशा बनाना हुआ। लेकिन अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मेरा मन करता है कि मैं उसकी बातें करूं किसी से, कोई मुझे सुने, उसके बारे में मुझसे बातें करे। उसमें कुछ था, कुछ बहुत अलग, जिसने अपने फैंस को सिर्फ फैन नहीं रहने दिया बल्कि उसका अपना बना लिया, कोई बिल्कुल अपना। मुझे किसी की मौत के बाद उससे डर लगता था, लेकिन मैं अकेले अंधेरे में बैठकर SSR की वेट करती हूँ, इस उम्मीद में कि अगर आत्मा का कोई अस्तित्व है तो वो मेरे पास आए और अपने मौत की सच्चाई बताए। लेकिन वो नहीं आता। ये मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, ये हम करोड़ों लोगों की आवाज़ है। करोड़ों लोग हैं जो बिल्कुल मेरी तरह ही सोचते हैं। वो सब ये चाहते हैं कि किसी भी तरह उसके मौत की सच्चाई सामने आए और जो भी इसका जिम्मेदार है उसे सजा मिल सके। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि ऐसा क्या था उसमें जिससे उसकी मौत ने हम सबों को झिझोर कर रख दिया। तो मेरे दिल से आवाज आती है कि उस जैसा कोई दूसरा नहीं था। कुछ ऐसी कशिश थी उसमें कि उसकी मुस्कुराहट पे मर जाने को जी चाहता था। कितना जुनून था उसमें हर चीज को पाने का, आसमान छूने का, अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने का, चांद का, सूरज का, हर प्लैनेट को जानने की जिद थी उसमें। इसी जिद ने उसे चंद्रमा पे प्लॉट खरीदने वाला पहला एक्टर बना दिया था। बहुतों ने लिखा कि तारों को देखकर उसकी आंखों की चमक बढ़ जाती थी, इतना मासूम था वो। बच्चों के जैसी कौतूहल थी उसमें, उनके जैसी जिद तारों को छू लेने की। इसलिए तो उसने टेलीस्कोप रखा था अपने पास। उसके घर की वर्चुअल टूर तो आप सबों ने अब तक कर ही ली होगी। क्या लगा आपको, क्या कोई आम सोच वाला इंसान अपने घर को इस तरीके से सजाएगा? ही वॉज डिफरेंट, ही वॉज ओनली वन, कोई और नहीं हो सकता उस जैसा। उसके घर को सजाने में इस्तेमाल की गई हर चीज कितनी यूनिक है, क्या देखी आपने ध्यान से, कितनी अलग, बिल्कुल उसी के जैसी। हर बेकार यूजलेस वस्तुओं को उसने एंटीक डेकोर में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो एक बार, उसके घर की सैर करो, आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसने बहुत कुछ किया, बहुत लोगों के लिए किया, उसने हर किसी की मदद की। उसे जानने वाले अब खुलकर सामने आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने पहले इस बारे में बात क्यों नहीं की। जो भी हो, कम से कम अब तो वो बोल रहे हैं। कई जगह कई सारे जरूरतों पे उसने डोनेट किया, ये हम सब जानते हैं। मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। मुद्दे की बात यह है कि उसके जाने की वजह जो भी थी, लेकिन वो शहीद हो गया। शहीद? वो कैसे? वो भी बताती हूँ। इस इंसिडेंट के पहले मीडिया हमें जो दिखाती थी हम वो देखते थे, जो सुनाती थी वो सुनते थे और सब पे भरोसा कर लेते थे। लेकिन उसके जाने के बाद सब बदल गया। बड़े पर्दे पर एक्टिंग करने वालों को सुपरस्टार बना देते थे हम अपने मेहनत की कमाई से, उन्हें ही हीरो मानते और कहते थे। लेकिन SSR के जाने के बाद सब बदल गया, सबका असली चेहरा सामने आ गया। बिकी हुई मीडिया की हर बात झूठी, ये समझ आने लगा।
जो हीरो बनके हम सबों की नजर में अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, वो सब असली जिंदगी में कितने फेक, कितने चालाक और कितने खतरनाक हैं, ये समझ में आने लगा। उसके जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को लेकर लोगों के मन में एक क्रांति की लहर जगी है। लोग जन आंदोलन कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। कोविड की लड़ाई में बाहर सड़क पे नहीं उतर पा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं। हम सबों के दिलों में एक आग धधक रही है, जो इन सफेद पोशों की सच्चाई सामने लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। बिकी हुई मीडिया का गंदा घिनौना चेहरा सबके सामने है। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोगों के खरीदे हुए ये गुलाम किसी की भी लाइफ तबाह कर सकते हैं। अपनी झूठी एलिगेशन से किसी का भी कैरियर तबाह कर सकते हैं। ये बात लोगों की समझ में आ गई। बहुत कुछ जो हिडन था वो सामने आ गया। एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन लगता है कि आज भी कोई आके ये कह दे कि वो सब एक मजाक था। He is still alive, जिसके सपनों की लिस्ट इतनी लंबी थी, जो कि हर 6 महीने पर अपने 50 सपनों की एक लिस्ट बनाता था। चांद पर जाने का इरादा था उनका, जो छोटी छोटी बातों में बड़ी सी खुशियां ढूंढ लाता था, जिसे सब चाहिए था, छोटा बड़ा सब। वो जिंदगी की जंग इतनी आसानी से तो नहीं हार सकता था। बस हमें वो जानना है, वो सच बता दो हमें, जिसने SSR को हमसे दूर कर दिया। तुम्हें भूल नहीं पाएंगे हम मरते दम तक। आने वाली हर जनरेशन तुम्हें ऐसे ही जिंदा रखेगी, जैसे तुम आज हम सबके दिलों में हो। ये हमारा तुमसे वादा है SSR।